मोटरसाइकिल मंगाऊंगी तो तुम बाप की हवा लेकर जाएगी तो तुम जाना पाओगे। बाप में पेट्रोल निपट जाए, अच्छा पिंचर रह जाए, और तो दो चार अगर मिल जाएगा। हाँ जे मैं खकोल लेकर तो तुम दूसरी गाड़ी मंगा दे रही हूँ, बढ़िया गाड़ी मंगा। अरे बढ़िया जी, मैं साइकिल मंगाएगा। मेरे मन तो बाहर है, बहुत बेकार है। तो एक काम करो, मैं सवारी बढ़िया वाली बढ़िया सी जब पेट को पानी ना हाले। अच्छा बिल्कुल। अरे बढ़िया जी तुम रे मिले। अच्छा या फिर रेल छूट जाए तो क्या फायदा? सही बात है, तो बढ़िया है। टिकट ना मिले और गाड़ी छूट जाए तो है आप कोई और सवारी हो तो बता, तो और सवारी है बता। तुम्हारी बढ़िया वाली सवारी है, बढ़िया पेट और पानी ना हाल है। अरे फिल्टर काले
भिखारी साहब से कहते हो कि पंडित जी गेट पे खड़े हैं। अच्छा हाँ। तो ठीक है, मैं अपनी रानी साहब को बुला के ले आऊँ। चौखटे फोकटे हैं गेट पे ना है? ये है, गेट है, बढ़िया से गेट चढ़ू है। अच्छा गेट है। हाँ गेट चढ़ू है। दो केवार है, दो केवार है। कब्जा है? एक जालन को खुल जाती है और एक जालन को। तो सही है, कहते जल्दी। हाँ कब्जा लगवा दें, बढ़िया वार है। रानी साहब भागी खुश रहो, चिरंजीव रहो, राशि पंडित जी को लेके आए। महारानी मैं पंडित जी के लिए अभी अभी बुला के लाई हूँ और वो दरवाजे पे खड़े हैं। महारानी दरवाजे पे टेक आई है? हाँ महारानी। का कोई लठिया डंडा है सो टेक आई है? टेक नहीं आई, मैं खड़ो कर आई। ठीक है पंडित जी को अंदर लेके आओ। अच्छा अंदर ले आऊं? पंडित जी से कहने को चलो अंदर। अच्छा अंदर ले आऊं? हाँ ठीक है। तुम चलो अंदर, चलो पहले अंदर। हाँ सबके सामने और का हमारे महारानी साहब ने याद किया है तुम्हारे लिए। मैं अंदर को ना जाता हूँ? क्यों तुम्हें जाने पर हो? मैं ना जाऊंगा, मने करते। अरे ना चलो। अरे मेरे कब्जे ही ना है। मान हो करो। अरे का फायदा, किवाड़ टूट जाएगी। अरे ना टूट जाएगी, कहते जाएगा अरे मारा दरवाजे खुल जाए, कहते किवाड़ टूट जाएगी। अच्छा तो ठीक है, मैं कह दूंगा। दासी कहाँ पे पंडित जी? पंडित जी महाराज मैं बोली थी कि आप चलिए अंदर। तो कह रहे थे अंदर। हाँ अंदर नहीं जाऊंगा, अंदर नहीं जाऊंगा। आपके रानी साहब महलों में याद कर रही है। हाँ वो कह रहे थे महलों में। चलो खुद ही बुला के लाइए, मैं अंदर नहीं जाऊंगा। ठीक है चल मैं चलती हूँ। हाँ चलिए आप। पंडित जी महाराज पाला गया। खुशी रे खुजियात रे दूत पूत पे चिच याद रे। पंडित जी आशीर्वाद। पंडित जी ये आशीर्वाद कहाँ का है? जो आशीर्वाद हाँ समय देख के दऊ है। अगर कोई के पाल आ गए तो पास कह दो इस्मान भाव या खुशी रे, तो जाके तो पंडित जी ने आशीर्वाद बढ़िया ना दो। सही ना दो ना समय सीधी के तो खुशी रे खुजियात रे दूत पूत पे चिच याद रे। दासी ओ दासी, अरे तुम्हारे बरगड़ जाए तुम्हारे भाव बुला के ना रम कलिया को बुला। और पंडित जी की पंडित जी को कुर्सी डालो, आसन आसन रासन फासन तो डालो ना आसन। पंडित जी बैठो। अच्छा अरे पंडित जी बैठो। बैठ जा पंडित जी यार का। पंडित जी महाराज तुम्हें ये मालूम नहीं ये कुर्सी नई आई हुई है? हाँ जब तोफनिया की शादी में मिली हुई है। हाँ इस कुर्सी की इस स्प्रिंग जो हार्ड है तुम्हारे वजन से दबे नहीं, इस स्प्रिंगों ने तुम्हारे लिए फेंक दिया। अच्छा हाँ तुम पे इस मतलब प्रेशर वाली कुर्सी है? हाँ प्रेशर वाली कुर्सी है तो तुम प्रेशर नहीं दबा सकते। समझी सादा कुर्सी है? सादा नहीं है ये तो समझ के लाओ। मेरे बाप ने ऐसी दही नहीं, मेरे बाप ने तो स्प्रिंग भाई दही बैठा है तो कूदो ही ऊपर को। पंडित महाराज कहिए तुमसे एक हमारी विनती है, हमारा कहना है पंडित जी महाराज। क्या कहिए? कि हमने तुम्हारे लिए नरवर में क्यों याद किया है? बिल्कुल सच बताइए, क्यों बुलाया है? ऐसी कौन सी बात है? बात यह है कि हम एक से एक रानी है। बिल्कुल नरवर में एक से एक रानी है मगर किसी के संतान नहीं है। जो का हमारे पति का नाम रोशन हो और गति का नाम चले। अच्छा पंडित जी महाराज जरा अपनी पत्र दिखाइए और वेद को देखिए कि कोई वेद में हमारे किसी नाम से कोई संतान है या नहीं है। अच्छा हाँ कोई बालक हो जाए? हाँ पंडित जी महाराज अति कृपा होगी। पहले किनके दिन देखो? दासी तू दिखवा ले अपने दिन, मत तेरे ही भाग में कद बालक हो जाए क्योंकि तू नई नौसरी है। पहले तू दिखवा मत तेरे नाम से कद बालक हो। पंडित जी सही हिसाब से देखियो, जो हमारी बांदी नई है
बिचारी भोली भाली है। एक बात है, हाँ है तो टनाटन, हाँ टनाटन क्या नहीं। अरे पंडित जी की नियत फिर मालूम पड़ रहा है। पंडित जी देख जरा ढंग से काम करना, वरना समझ लेना कि जरा भी ओवर चले तो दुनिया होगी मगर पंडित जी तुम नहीं होगे। अच्छा ढंग से काम ना करो तो पत्रा खोकर खोल करके दासी के दिन देखो, इसके नाम से कोई संतान हो तो पंडित जी महाराज की कृपा होगी। मगर क्या करूंगा देख, क्या करोगे काम जो पत्रा में देख रहा हूँ, देख जो तो है किर्रे का जाहे किर्रे की, अब आंखें मीच के और हाथ धर, सही है तेरे ना होगी मुसटिया की पूछो, तेरे किर्रकी पे धरेगा हटे एक लाइन, और कोई दिखवा दो और आ जाओ। पंडित जी खुरछुआ खुरछुओ ऐ मुझे गैया भैंसिया समझ लो, तो खुरछुओ तुम्हारे नाम का है तुम्हारो चंद्र प्रभा, चंद्र प्रभा देख जो तो है किर्रे की जो है किर्रे का, आंख बंद करके और हाथ धरे मेरी आंख बंद करके ना, अपनी आंख बंद करके। अच्छा मैं मेरी आंख अपनी आंख पंडित जी की आंख है पोते हो। अरे ले ले पंडित जी ले ओ, ए काले हो काले हो, अरे तो जाके ना हाथ ला, हाँ हाथ ले ओ हाथ पकड़ो, तू अपने आप धर ले ही तो धर का, हाँ चल अपने आप धर और का तेरे भी कचना होगा। अच्छा ना होगा सत्य बात, तेरे मुसटिका ही पूछू ना होगा। अरे हाँ कैसा भैया जमाने का बालक ना होता, हमारी पत्र बेकार बता रही है, तो चोरी जरिया हो गई पासन होंगे जाके। ओहो मैं दिखवा जाऊं, तू दिखवा भाई तू क्या चाह रही है। Yes. पंडित जी की जिम्मेदारी का लड़का बता, सब की सब आ रही है कि देखियो, देख आंख बंद करके जा रही किर्री की जोरो किर्री का हाथ धरते, अगर किर्री की पे हाथ धरेगा तो कुछ ना होगा, और किर्री का पे हाथ धरेगा तो गुंजाश है, चाचे शांतक चाचे बालक है जाए तो गुंजाश है। जाऊगा कचना है, सीट खाली जा रही है। पंडित जी महाराज आपने सभी के नाम से दिन देख लिए, पंडित जी महाराज आपसे मेरी विनती है कि आज नरवर में एक से एक रानी है, किसी के संतान नहीं है, मेरे पति का नाम निर्वंशी राजा है। पंडित जी महाराज पत्रा के लिए खुल करके एक ऐसा पर्चो ऐसी दिन देखो घड़ी मुहूर्त चुका, एक लड़का तो हुई जाए। अच्छा देखेंगे गुंजाश करेंगे, तेरा नाम का है। मेरा नाम है पंडित जी महाराज सुरजा, सुरजा सुरजा रानी रानी सुरजा, सही बात है। इतने हाथ तू हाथ ला, बोलो देख लो पंडित जी, ए धर हाथ हाथ रख, तेरे को कुछ ना होएगा, सुन पंडित पत्र लौटी पंडित ने और एक करम तेरो से चले का
कह रहे हो? एक जन्म की क्या है, सात जन्म तक और तुम्हारे संतान नहीं है। एक जन्म की क्षति क्या, सात जन्म तक हमारे कोई संतान नहीं है। कोई नहीं, सटिया पूछो ना है। पंडिता तेरी ये पत्रा में आग लगेगी पंडित महाराज। हाँ, तो हमारे किसी किसी के भी सौ खाली है, सब बेकार हैं। काऊ के ना है, सबके दिन देख लिए, सबके देख ले मैंने पंडित महाराज। एक नाम से और तुम दिन देख दो। का नाम से? जो मेरी सेठ मंजा के नाम से दिन देख सकते हो। अच्छा, मंजा ही नाम से? हाँ। पत्र लौटी पंडित ने और है गई चेते का। रानी के मंजा के नाम से संतान है जी। पाए पदम माथे चंद्रमा, एक बेटा को जन पावेगी निर्वंशी राजा प्रथम को, गद्दी को नाम उठाए। पंडित महाराज जी, मेरा तुझसे एक व्यक्ति है। क्या पंडित? ए भानी, पंडित जी की सेवा करो, जरा सेवा करो, पंडित जी की सेवा करो। ठीक है महारानी, मैं अब सेवा करती हूँ। ढंग से सेवा करो पंडित जी महाराज। पंडित जी महाराज, आज बड़ी सेवा हो रही है, क्या बात है। मेरा एक कहना है तुमसे, हाथ जोड़ के विनती है, मैं कहूंगी इस काम के लिए आप कर सकते हैं। आप कन्वार हो तो कर सकता, करने का है पंडित जी महाराज तुम्हारा ही, और मैं तुम्हारे लिए बताती हूँ भारी ऐसा मानूंगी और तुमको भारी इनाम दूंगी अगर मेरे कहने का काम कर दो। अच्छा, इनाम मिलेगा? बिल्कुल। अरे तो जल्दी बता, जल्दी बता, जल्दी बता। मेरा कहना ये है, अरे वो मल्ला ठकुरानी। अच्छा, बाको तुम तैयो ब्राह्मण दुनिया में, पंडित जी तो मारो मानवी उम्र भर, अरे ऐसा तुम मंजा को मरवा दे जा शहर, अरे नरवार में आवे जी। पंडित जी महाराज जी, आ गई समझ में? हम कहें एक बात, हमारी ब्राह्मण अरे छोड़ रही तुम्हारे में
और ये कल्याण सिंह यादव जी ये 10 रुपया दे रहे हैं, कह रहे हैं पंडित अगर जरा भी ऊपर चले गए तो तुम्हें फांसी लगेगी। अच्छा फांसे बंदा मारवाद ब्राह्मण से अरे नरबाल में अरे भारी कह तुम्हें नरबर में तुम्हें नाम मेरी बात सुनो तो सुना तुम कह रही हो कि रानी मंझा के लिए मरवा दो मरवा दो और एक बात मैं तुमसे कह रहा हूँ मेरी सुनो बोलो रानी सुरजा नरवर में मध्य पंडित को तू भेजावे मंझा के लिए मत मरवाओ नहीं ए पंडित जी काटो बरो करीन को बज रोटी काम सोच बुरी है चुन की है साजे को काम कैसे चलते फिरते उठते बैठते मुको हर दम सोच सताने सोच के बोले अरे सहेना सुनो जाए सो रानी है रानी से